नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन पर बॉलीवुड में भी शोक है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि सुषमा स्वराज जी के असामयिक निधन से दुखी हूँ। वो एक ऊर्जावान और प्रेरक नेता थी। उनके निधन से राष्ट्र को अपार क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। अभिनेता संजय दत्त ने लिखा, ईश्वर सुषमा जी की आत्मा को शांति दें। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बेहद हैरान और दुखी हूं। वो हमेशा मेरी नजदीकी रहीं और बेहद दयालु रहीं। उनके परिवार और हमारे राष्ट्र को हुई इस क्षति के लिए मेरी संवेदनाएं। महानायक अमिताभ बच्चन ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए उनके साथ की एक तस्वीर जारी की है और कहा है कि सुषमा जी का स्थान कभी भरा नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुखद समाचार, एक बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ, एक मिलनसार व्यक्तित्व, एक अद्भुत प्रवक्ता, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। उन्होंने आगे लिखा कि मृदुभाषी, सम्मोहक वक्ता, मिलनसार, दुखहर्ता, सुषमा जी जैसों का रिक्त स्थान कभी नहीं भरता। अभिनेत्री शबाना आजमी ने दुख जताते हुए कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से बेहद दुखी हूँ। राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद हमारा रिश्ता बेहद आत्मीय था। मैं उनके नवरत्नों में से एक थी क्योंकि उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री रहते हुए हमें बुलाया था और उन्होंने फिल्म को इंडस्ट्री की मान्यता दी। स्पष्ट, तेज और आसानी से पहुंच वाली थी। उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार 6 अगस्त की रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुषमा स्वराज ने निधन से कुछ घंटे पहले ही ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बधाई दी थी और कहा था कि वो इस दिन को देखना चाहती थी। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर टीम की तरफ से भी सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि।